प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े सनातन समागम का महापर्व शुरू। मकर संक्रांति पर 1.5 करोड़ लोग संगम तट पर लगाएंगे डुबकी। सुबह 3:30 बजे से ही संगम तट पर जुटे श्रद्धालु, शाम 4 बजे तक चलेगा शाही स्नान का दौर। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने किया शाही स्नान, इसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़े ने लगाई आस्था की डुबकी। 4 मार्च तक चलेगा कुंभ में आस्था का महापर्व, 49 दिन में 20 लाख विदेशियों समेत 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन, बस और फ्लाइट का इंतजाम, शटल बस सेवा से फ्री में पहुंच सकेंगे घाट। कुंभ में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था, 20,000 से ज्यादा पुलिस वाले और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे। कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए 1 लाख टॉयलेट बनाए गए, महिला पुरुषों के साथ दिव्यांगों के लिए भी खास टॉयलेट बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मुझे आशा है कि इस अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के दर्शन होंगे। ओडिशा और केरल के दौरे पर पीएम मोदी, ओडिशा के बलांगीर में कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के कामकाज को लेकर सोशल मीडिया पर पीएम के जनता से 8 सवाल, महागठबंधन पर भी पूछी लोगों की राय। सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण पूरे देश में लागू, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में मिलेगा आरक्षण। 2019 चुनाव से पहले मिडिल क्लास को मिल सकता है बड़ा तोहफा, आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख करने की तैयारी में मोदी सरकार। मायावती के बाद तेजस्वी ने की अखिलेश यादव से मुलाकात, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यूपी और बिहार से होगा बीजेपी का सफाया। एसपी बीएसपी के बीच हुए गठबंधन में अब तीसरे साथी को लेकर चर्चा तेज, 16 जनवरी को आरएलडी की भूमिका पर हो सकता है फैसला, 3 सीटें आरएलडी के खाते में जा सकती हैं। कर्नाटक में कुमार स्वामी सरकार पर संकट की अटकलों को बीजेपी ने किया खारिज, बीजेपी ने कहा कांग्रेस के किसी भी विधायक के संपर्क में नहीं, सभी खबरें अफवाह। कर्नाटक बीजेपी ने अपने सभी 104 विधायकों को गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में बुलाया, विधायकों ने कहा सरकार बनाने की कोई रणनीति नहीं, लोकसभा चुनाव पर मंथन के लिए बैठक। यूपी के बुलंदशहर में गोकशी मामले में बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार 7 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया। अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए को कोर्ट ने दी परिवार और वकील से बातचीत की इजाजत, 1 हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट के लिए किसी भी नंबर पर इंटरनेशनल कॉल की इजाजत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कश्मीर के नौजवानों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की, कहा घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट नाम की कोई मुहिम नहीं। मुंबई 26/11 आतंकी हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा जल्द लाया जा सकता है भारत, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की ट्रंप सरकार कर रही है सहयोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से पकड़ा गया आतंकी सरफराज अहमद, भारी संख्या में हथियार बरामद। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आरोपी आनंद तेलतुंबडे के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार, कोर्ट ने जांच में हो रही देरी पर भी उठाए सवाल। जेनू नारेबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 1200 पन्नों की चार्जशीट, 46 लोगों को बनाया आरोपी, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुल 10 वीडियो मिले। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि खराब करने पर तुली है सरकार, बढ़ती असहिष्णुता से देश के मुस्लिमों पर गहरा असर। झारखंड में संथाल की धरती से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 19 जनवरी को करेंगे चुनावी शंखनाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से बीजेपी खेमे में उत्साह, हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड में नहीं गलेगी बीजेपी की दाल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को साइनस के इलाज के लिए एम्स में किया गया भर्ती। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा को फोन पर दी गई जान से मारने की धमकी, डीजीपी सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री से की गई शिकायत। शिवपाल की पार्टी को चुनाव आयोग से मिला सिंबल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का चाबी होगा चुनाव चिन्ह। 1,000 करोड़ का कर्ज लेगी कमलनाथ सरकार, विभाग ने जारी किया लोन का नोटिफिकेशन, इस वित्तीय वर्ष 12,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना की 15 जनवरी से हो जाएगी शुरुआत,
सीएम कमलनाथ आज ऋण माफी योजना के आवेदन भरने की प्रक्रिया का करेंगे शुभारंभ। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के एक्सीडेंट मामले में नया खुलासा, नक्सलियों ने दी थी जान से मारने की धमकी, चिट्ठी लिखकर मांगी थी 20 लाख की फिरौती। एमपी में कांग्रेस नेता ट्विंकल डागरे केस में सनसनीखेज खुलासा, ट्विंकल की माने जगदीश करोतिया और बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता पर लगा यौन शोषण के आरोप। सरकार बनने के बाद भी नहीं थम रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अनुशासनहीनता, सरगुजा के तातापानी महोत्सव में मंच पर सीएम भूपेश बघेल के साथ बैठने को लेकर आपस में भिड़े नेता कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी को भुनाने की तैयारी में जुटी, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान किसान विजय रथ यात्रा निकालेगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पड़ोस में रहने वाला 57 साल का आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ऑटो और वैन का नहीं हो सकेगा इस्तेमाल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ग्वालियर आरटीओ ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा। मध्य प्रदेश से हज जाने वाले आवेदकों के चयन के लिए आज भोपाल में खोला जाएगा ड्रॉ, हज यात्रा के लिए इस बार मध्य प्रदेश को 4,660 सीटें हुई आवंटित। बीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि वो सेकुलर दलों के साथ गठबंधन को तैयार, बीजेपी के साथ रिश्ते पर बोले शिवपाल, बीजेपी की इतनी हैसियत नहीं कि वो उन्हें खरीद लें। अवैध खनन मामले में सीबीआई की छापेमारी के बाद आईएएस बी चंदकला ने लिंक्डइन प्रोफाइल पर पोस्ट की कविता, लिखा नफरत और घृणा से जीवन दूषित होता है। यूपी के मुरादाबाद में युवती ने डॉक्टर पर अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया केस। बिहार के समस्तीपुर के सूरजपुर गांव में दलित समुदाय के लोग दहशत में, दबंगों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, हुक्का पानी बंद करने का भी आरोप। बिहार के गया हॉरर किलिंग मामले में नया मोड़, सीसीटीवी में दिखे तीन संदिग्ध, डीआईजी ने किया जल्द खुलासे का दावा, परिजनों से सीआईडी की टीम ने की पूछताछ। पटना नगर निगम ने आंध्र और पश्चिम बंगाल से आने वाली मछलियों की बिक्री पर 15 दिन के लिए लगाई रोक, बिहार में पाए जाने वाली मछली रोहू और बुआरी की बिक्री पर भी लगी रोक। जम्मू कश्मीर के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, आसपास के 4 घर और 10 दुकानें भी आई आग की चपेट में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से तापमान में गिरावट, सैलानियों ने बर्फबारी का लिया मजा। हिमाचल के कुफरी में ताजा बर्फबारी, दूर दूर तक दिख रही है बर्फ की चादरें, तापमान में आई काफी गिरावट। चीन ने भारत और अमेरिका सहित 6 देशों को दी चेतावनी, ताइवान को पनडुब्बी बनाने की तकनीक ट्रांसफर करने से आपसी संबंधों को नुकसान का आरोप। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के बीच चीन के निर्यात में पिछले 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट, 2017 की तुलना में 4.4% गिरा निर्यात। सूडान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प, सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। ऑस्ट्रिया में बर्फीले तूफान का कहर, 4 फीट तक जमी बर्फ, हादसों में कई लोगों की मौत। एफसी एशिया का फुटबॉल से ग्रुप ए के तीसरे मैच में भारत को मिली बहरीन से हार, 0-1 से मिली हार के बाद भारत एशियाई कप की दौड़ से बाहर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में दूसरा वनडे आज, सीरीज बचाने के लिए हर हाल में मैच जीतना चाहेगी टीम इंडिया। 2019 के पहले ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दिन नडाल, शारापोवा और रोजर फेडरर दूसरे दौर में पहुंचे, टाई ब्रेक में मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी ब्रिटेन की केटी बोल्टर। प्रजनेश गुणेश्वरन की हार के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत का सिंगल्स में अभियान पहले ही दिन खत्म, गुणेश्वरन को अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो ने 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। ब्रिटेन में एंडी मरे ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर से ही बाहर, हार के साथ ही एंडी मरे ने टेनिस को कहा अलविदा।